मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू, टुडे इज अ लवली डे। माई सेल्फ अनिल सिंह राजपूत फ्रॉम रेड इन पब्लिक स्कूल बक्सर। ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन बिहार, आवर स्कूल स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेज ऑन यूट्यूब, सो आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑनलाइन क्लासेज फॉर क्लास टू सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। हियर मैथमेटिक्स मीन्स गणित, सो लेट्स बिगिन। दिस इज अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स इन एक्शंस फॉर क्लास टू, सो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पेज नंबर 15 और 16 बता दिया था, और लाइव क्लास में मैंने आपको पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 1 सेपरेट द इवन एंड ऑड नंबर बताया था, जो मेरा लाइव क्लास जूम ऐप पर चला था। और आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2, डेट है आपका 5/6/2020, और क्वेश्चन है आपका राइट द इवन नंबर्स बिटवीन दिस टू नंबर्स। इन दो नंबर के बीच के जितने भी हमारे इवन नंबर्स हैं, अब आप मेरे से पूछोगे कि इवन नंबर होता क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इवन नंबर को हम हिंदी में सम संख्या बोलते हैं। वैसा नंबर जो टू के टेबल में आता हो या टू से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, उस नंबर को हम इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ए में क्वेश्चन है 540, और यहाँ पर फिर बॉक्स, खाली बॉक्स था, फिर एक खाली बॉक्स, मतलब ऐसे ऐसे 540 और 552 के बीच का जितना भी हमको नंबर है, जितना भी संख्या है आपको लिखना है। तो 540 है, अब 540 के बाद 541 इसलिए नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि 1 हमारे 2 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 542। 543 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 हमारे 2 के टेबल में नहीं आता है। 544। 545 भी नहीं होगा, 546 होगा। 547 नहीं होगा, 548 होगा। और 549 भी नहीं होगा, क्योंकि 9 हमारे 2 के टेबल में नहीं आता है। और 550, मतलब कि 540 और 552 के बीच का मैंने सारा नंबर लिख दिया। 542, 544, 546, 548 और 550। अब बी है हमारा 956, और 968 के बीच का सारा नंबर हमको लिखना है। तो 956 के बाद आता है 957, आप यही लिखते, लेकिन जो 7 है हमारा वंस के प्लेस पर, ये हमारा 72 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 958। फिर 958 के बाद 959 नहीं होगा, 960 961 के बाद 960 के बाद 961 नहीं होगा, तो अब हो जाएगा 962। फिर 962 के बाद आप सोचोगे कि 963 होगा, तो स्टूडेंट वो नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे 3 जो है 2 के टेबल में नहीं आता है। तो 964 हो गया, 965 भी नहीं होगा, 966, और यहाँ पर लिखा है आपको 968। 956 और 968 के बीच का जितना भी नंबर है मैंने लिखा है, 958, 960, 962, 964। ऐसे मैंने क्यों ये नंबर लिखा है एक एक छोड़कर, क्योंकि 8 आपके 2 के टेबल में आता है, 0 भी आपके 2 के टेबल में आता है, 2 भी आपके 2 के टेबल में आएगा, 4 भी आपके 2 के टेबल में आता है, और 6 भी आपके 2 के टेबल में आता है। सो स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट द ऑड नंबर्स बिटवीन द टू नंबर्स। दो नंबर के बीच के जितने भी ऑड नंबर है, जितने भी ऑड नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या है, उसको आपको लिखना है। विषम संख्या क्या होता है? तो जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आता है और 2 से भाग नहीं होता है, वो हमारा ऑड नंबर है। ये हमारा क्वेश्चन है। 411 और 423 के बीच की जितने भी नंबर हैं हमको लिखना है। तो 411 के बाद होता है, 411 के बाद आपको होता है 412, जो हमारे 12 के टेबल में आता है, तो हो जाएगा 413। ये हमारे 2 के टेबल में नहीं आता है। 414 2 के टेबल में आता है, लेकिन 415 नहीं आता है। फिर जो जो हमारे 2 के टेबल में नहीं आता वो लिखना है। तो 417, 419 और 420, मतलब 411 और 423 के बीच में कौन कौन सी संख्या थी? तो 413, 415, 417, 419 और 421 होगा, क्योंकि ये हमारे 2 के टेबल में नहीं आता है। 1 हमारे 2 के टेबल में आया, 0 हमारे 2 के टेबल में आता है। बी हमारा है आपका 747 और 759 के बीच की जितनी भी संख्या है, जितने भी नंबर हैं, उसको लिखना है। तो 747 के बाद 747 के बाद हो जाएगा आपको 749, 751, 753, 755, 757 और उसके बाद हो गया 759। 747 और 759 के बीच की मैंने संख्या बताई कि 749, 9 हमारे 3 के टेबल 2 के टेबल में नहीं आता है। 751, फिर 1 भी हमारे 2 के टेबल में नहीं आता है। 753, आपको 3 भी 2 के टेबल में नहीं आता है। 755, 5 भी आपको 2 के टेबल में नहीं आता है। और 757, ये हमारा ऑड नंबर है। आज का स्टूडेंट यही था, इवन नंबर एंड ऑड नंबर मैंने बता दिया आपको। इवन नंबर मतलब होता है सम संख्या, एंड ऑड नंबर मतलब होता है विषम संख्या। सो थैंक यू माय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।